तारों का सबका कहना है, भैया आप शादी के लिए मान गए? हजारों में मेरी बहना, थी सारी उम्र हमें संग, बहन को मार कर भाई को होता नहीं दर्द, कहां से आती है ऐसी भयानक सोच? इस बार सुलझाएंगे ऐसी ही उलझी सोच के धागे, ताकि आप रहें जुर्म से एक कदम आगे। नया सीजन, नई अप्रोच, डिकोड करेंगे अपराधी की सोच। सावधान इंडिया क्रिमिनल डिकोडेड, 26 सितंबर से रात 10:30 बजे स्टार भारत पर। क्लास के लिए देर हो रही है। हारू ना आ रहा मम्मी जी, आप ये सब काम क्यों कर रहे हो? मालिका का है ना। अरे कुछ काम खुद भी कर लेने चाहिए। मम्मी जी, छुरी धार करवाने लाई थी। छुरी की धार और नजर जितनी तेज हो ना उतनी अच्छी। छुरी आप खड़े खड़े क्या कर रही है? क्या रसोई में नाश्ते की तैयारी कर? ठीक है मम्मी जी। लेकर जाती हूँ। चलो मनु। हेलो हेलो डॉक्टर खुराना, मैं विकास पटाला बोल रहा हूँ। देखिए मैं ये बात सिर्फ आपसे कह रहा हूँ, ये कोई फूड पॉइजन का केस नहीं है। आपके भांजे को किसी ने नशे की दवा सुंघाई है। वैसे आपके बिजनेस को देखकर ऐसा लगता है कि ये शायद किडनैपिंग का केस है। खैर मैंने दवाइयां लिख दी हैं, आप मंगवा लीजिएगा। ठीक क्या रानी, मैं वो कैंटीन से जूस पी लिया था। हाँ माँ, वो जूस में कुछ खराबी थी, इसके दोस्त भी यही बोल रहे थे। झूठ बोल रहे थे ये। आजकल पढ़ाई में कम रहता है और रेस्टोरेंट में ज्यादा रहता है ना। मम्मी जी जाने भी दीजिए ना, बच्चा ही तो है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो खुद ब खुद सुधर जाएगा ना।
तू समझाएगी मुझे? तू समझाएगी अभी? लगता है इसके साथ साथ तेरे भी पर काटने पड़ेंगे, तब बात समझ में आएगी। हाँ दीदी। नहीं नहीं मन्नू ठीक है, बस उल्टी हो गई थी उसे। जी नमस्ते। तो अभी तक यही खड़ी है? जा रसोई में, खाना नहीं बनाना। हाँ जाती हूँ मम्मी जी। अम्मा आप चिंता मत करो, मैं इससे बात करूंगा। बता क्या हुआ था? मामा मुझे वहां कोई बेहोश करने की कोशिश कर रहा था। ये दो टके के बिल्डर लोग, कितनी बार समझाया उनको कि बिजनेस की दुश्मनी, ये फैमिली से दूर रखना चाहिए था ना। तू बता कैसा दिखता था वो, कौन था वो? उसका चेहरा ढका हुआ था। तू चिंता मत कर, मैं देखता हूं, छोड़ूंगा नहीं उसे मैं। दवाई लेके आता, तू रेस्ट कर। हल्दी वाला दूध लाई थी तुम्हारे लिए, इससे ना तुम्हारे सारे जख्म ठीक हो जाएंगे। मैं अभी नहीं पी पाऊंगा, आप वहां रख दीजिए, मैं पी लूंगा। ठीक है तुम्हारी मर्जी। दुपट्टा कहाँ है तेरा? वो मम्मी जी कितनी बार का है, जवान छोरे के सामने ऐसे ना जाया कर। मम्मी जी गलती हो गई, आगे से नहीं होगा। बबल मुझे उसका नाम चाहिए, क्या कुछ हो जाए मुझे उसका नाम चाहिए। किडनैपिंग तो क्या, कोई मेरे परिवार को छूने की कोशिश करेगा तो उसे 100 बार सोचना पड़ेगा। किडनैप? मनु को किडनैप होने वाला था और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम प्लीज अम्मा जी को मत बताना। अच्छा किया जो तुमने मम्मी को नहीं बताया। अरे मैं तो गई थी मनु के कमरे में उसको सुलाने के लिए, पर तुम्हारी मम्मी वो तो उल्टा ही मुझ पर बिगड़ गई। बेचारे को ना नींद भी नहीं आ रही होगी अपने कमरे में। अब तो ना आपको ही कुछ करना पड़ेगा। देखो देखो हम दोनों तो यहाँ आराम से सो जाएंगे चैन की नींद, पर सोचो उसकी उम्र ही क्या है बेचारे की, 17-18 साल का है। डर की वजह से क्या वो सो पाएगा वहां पर? आपको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। देख बंदू चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा, तू इधर आराम से सो सकता है। जब तक तेरा मामा है तुझे कुछ छू भी नहीं सकता। यौन शोषण के ज्यादातर मामलों में परायों से ज्यादा अपने खतरा खड़ा करते हैं, फिर चाहे वो जान पहचान का पड़ोसी हो, दोस्त या कोई करीबी रिश्तेदार। अक्सर देखा गया है कि जानने वाले ही परिवार वालों का विश्वास जीतकर इस घिनौने काम को अंजाम देते हैं, और कम उम्र के बच्चे तो ऐसे नीच लोगों के लिए सबसे आसान शिकार होते हैं। एक अनुमान के मुताबिक यौन शोषण के शिकार 90% बच्चे घर में इस बात का जिक्र नहीं करते हैं, और उनके इसी मानसिक द्वंद, उनकी इसी दहशत का फायदा अपराधी उठाते हैं। डॉली मनु की मामी है, पर नीचता देखिए, इस रिश्ते की आड़ में वो मनु को अपना शिकार बनाना चाहती है, और अगर मनु ने वक्त रहते चुप्पी नहीं तोड़ी
तो डॉली की हवस का खामियाजा सिर्फ उसे नहीं, हर उस व्यक्ति को चुकाना पड़ेगा जो डॉली से जुड़ा है। टेन, इलेवन, कमान 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 कमान, ट्वेल्व, वन मोर। ओह, थक गया मैं। इतना जल्दी थक जाते हो? लो पसीना पूछ। अच्छा सुनो, आज ना मनु को कॉलेज नहीं भेजते हैं। मैं सोच रही थी कि उसको शॉपिंग करा देते हैं। वो तो मैं ना इसलिए कह रही थी कि बेचारा ना घर में यूं ही बोर हो जाता है। मेरे साथ जाएगा तो फिर उसका मन बहल जाएगा ना। अच्छा आइडिया है। हाँ? बाहर जाएगा तो उसका दिल बहल ही जाएगा। एक काम करो, अलमारी में पैसे रखे, उसके लिए कुछ खरीद लेना और तुम भी अपने लिए कुछ ले लेना। हमेशा सबका सोचती रहती हो तुम। अब नहीं, बस। देखो मेरे बारे में सोचने के लिए तो आप हो ना, आप ख्याल रखते हो ना मेरा। ओके डार्लिंग, अब मैं जाऊं, मुझे बहुत सारा काम है। ओके बाय। नानी जीता रहे, तबीयत ठीक है तेरी? ठीक है, अभी अच्छा लग रहा है। क्या ठीक है, शक्ल देखी अपनी? तू जाके नहा धो ले, मैं तेरे लिए असली घी का हलवा बनाती हूँ। और मैं तो कहती हूँ कि आज कॉलेज में जाना मत। हाँ वही तो मैं भी सोच रही थी कि आज इसको ना मैं बाहर ले जाती हूँ, इसका मूड भी अच्छा हो जाएगा। नहीं बाबू, मैं ठीक हूँ, मुझे आज बाहर जाने का मन नहीं है वैसे। अरे क्या हुआ भाई, चले जा, मामी के साथ शॉपिंग कर गया, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। नहीं मामा, आप टेंशन मत लो, आज इसमें मूड नहीं है बाहर जाने का। लो, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं भी चलती हूँ। देखा, अब तो रेडी हो जा, चल। मनु, मैंने इधर भी देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए टी शर्ट्स पसंद किए हैं, बहुत सिलेक्टिव है। अच्छी है ये वाली। हाँ। पर ये ज़रा बड़ी तो नहीं होगी? अरे नहीं होगी, एकदम बराबर आएगी तुम्हें, कोई बड़ी नहीं होगी। तुम ट्राई तो करो, बहुत स्मार्ट लोगे। ठीक है, मैं ये ट्राई कर लेता हूँ फिर। हाँ? ये भी? एक काम करो, तुम तीनों लेके जाओ। ठीक है, जिसमें तुम एकदम स्मार्ट लगोगे ना, हम वो बाय करेंगे। कुछ नहीं, वो ये टी शर्ट पसंद आ गई तो इसका बिल करा के निकलते हैं। डॉली, मुझे नहीं पता, पता नहीं कुछ चली गई। टी शर्ट, ये आपका बिल। कहाँ रह गई थी तू? वो टी शर्ट ले रही थी। जैसे ही खबर लग, मन्नू मेरा बच्चा, क्या खा लिया था तूने? इधर बैठ, देख तेरे पापा लीव लेकर आए तुझसे मिलने के लिए। मां मैं ठीक हूँ। देखो मन, इस तरह की हरकत से सिर्फ तुम अपनी नानी को परेशान कर रहे हो और कुछ नहीं।
बड़े हो गए अब तुम, क्या इस तरीके की हरकत तुम्हें शोभा देती है? क्या जीजा जी, क्यों मनु को डांट रहे हैं आप? मनु की जिम्मेदारी आज से मेरी, आप लोग ना इसको बस मेरे ऊपर छोड़ दो। क्यों चिंता करिए मनु की, अरे आप लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं हम इसे। डॉली बातें ही करती रहोगी क्या, चाय दे दो। जी मम्मी जी। राखी वो मैं कह रही थी कि हम मनु को किसी अच्छे हॉस्टल में डाल देते, क्या है ना यहाँ रहेगा तो पढ़ाई पे ठीक से ध्यान नहीं दे पाएगा। क्या हुआ है माँ? अब विकास और डॉली की अपनी शादीशुदा जिंदगी की अभी अभी शुरुआत हुई है, इनको भी तो अपनी जिंदगी जीनी है, इसलिए अब तक जो हुआ वो ठीक था, अब मुझे ऐसा लगता है कि हम इसे किसी अच्छे हॉस्टल में डाल देते हैं। तुम कहना क्या चाह रही हो? दीदी आप कब आए? बस अभी अभी आई, और देख माँ क्या कह रही है, मनु को हॉस्टल भेजने की तैयारियां कर रही है। हॉस्टल? अम्मा क्या हुआ? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ बेटा, बस मैं ये समझा रही थी राखी को कि तुम दोनों की अभी भी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत है, हमारी भी तो अपनी लाइफ है ना, अब तुम दोनों कब तक इसकी पहरेदारी करोगे, इसकी जिम्मेदारी लोगे? मेरा मतलब है कब तक जवान लड़के की पहरेदारी करेंगे, है ना? ठीक है, अचानक तुम्हें अपने बहू और बेटे की चिंता सताने लग गई है ना, मेरी मजबूरी नहीं होती ना माँ, तो मैं कभी भी मन्नू को यहाँ नहीं रखती। मन्नू का स्कूल का आखिरी साल है, इसीलिए यहाँ रहना तय किया गया था। देखिए अम्मा जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं। अगर कोई बदतमीजी की है तो बताइए हम सबको, इस तरह से इसके फाइनल एग्जाम के बीच में हॉस्टल के चक्कर की बात करेंगी तो इसका भविष्य खराब हो जाएगा। बस मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अब किसी को अच्छा लगे या बुरा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरी बातों का कोई मोल नहीं है तो निकाल दो मुझे इस घर से। अम्मा लेकिन होगा वही जो मैंने कहा, अगले हफ्ते मनु को हॉस्टल में शिफ्ट करें। नानी सही बोल रही है, मैं यहां पर पढ़ाई नहीं कर पाऊं। चौटाला जी, वैसे तो दिल्ली गुड़गांव के पुलिस छानबीन कर रही है, पर आपको मनु के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो मुझे तुरंत बताइएगा। जी। खैर आपका स्टेटस देखकर मुझे किडनैपिंग का केस लग रहा है। वैसे आप सच कह रहे हैं, मनु पर पहले भी अटैक हो चुका है। तो आपने पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं किया? अब वो सब चीज का अंदाजा नहीं था हमको। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। पड़ गई ना तुम्हारे कलेजे को ठंडक, खुश होना मां, अब तो चला गया मेरा बेटा, निकल गया वो इस घर से, मेरा बेटा चला गया मां, मेरा बेटा चला पुलिस के पास गए, लेकिन तब
जब वो किडनैप हो गया। उसकी किडनैपिंग की पहली कोशिश को नजरअंदाज करने का बड़ा खामियाजा आज पूरा परिवार भुगत रहा है। अपराध की किसी भी आहट को गंभीरता से लेने की सावधानी हम सबको बरतनी होगी। पुलिस को अंतिम विकल्प की तरह मत देखिए। जिस घटना को इग्नोर किया गया, अगर वो तभी शिकायत के तौर पर थाने में दर्ज कर दी गई होती तो डॉली कभी इतना आगे बढ़ी नहीं पाती। और अब जो हालात बन रहे हैं वो पहले से भी खतरनाक है। डॉली की सास शुरुआत से ही अपनी बहू को लेकर सतर्क है। वो परिवार की इकलौती सदस्य हैं जिनकी आंखों में बहू का चाल चलन खटक रहा है। तो क्या वो वक्त रहते डॉली की असलियत जान पाएंगी या फिर उन्हें भी निशाने पर ले लिया जाएगा? अजीब बात, अभी तक फिरौती का कोई कॉल भी नहीं आया। आई थिंक मामला कुछ और है। आप कहना क्या चाहते हैं इंस्पेक्टर साहब? किसी नशे की लत थी या कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं। मुझे कोई ना कोई सुराग तो चाहिए इस केस के लिए। आप लोगों को अगर किसी फिरौती का कॉल आए तो मुझे तुरंत इन्फॉर्म कीजिएगा। जी दीदी, दीदी चुप हो जाइए। कुछ नहीं होगा मनु को, वो आ जाएगा। हिम्मत रखिए दीदी। मम्मी जी आपकी दवाई ले लो। मैं मनु का मम्मी जी, उसको पुलिस ढूंढ रही है, मिल जाएगा। चुप। मेरी आंखें बहुत तेज है बहू, तेरी गंदी नजर को तो मैं पहले ही समझ चुकी हूँ। इसीलिए उसे हॉस्टल में रखना चाहती हूँ ताकि तू उससे दूर रहे। मैंने तुझे उसे देख लिया, सब जानती हूँ। बोल, कहाँ है मेरा मन्नू? जवाब दे, कहाँ है मेरा मन्नू? मम्मी जी, जब आपकी आंखें इतनी ज्यादा तेज हैं, तो जाइए ढूंढ लाइए मनु को। मुझे क्यों पूछ रही है? तेरी ये हिम्मत, तो देख मैं क्या करती हूँ। आपके ऊपर जाने का समय आ गया है मम्मी जी, क्योंकि मनु को मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। अब देखो इनकी एक्सरे रिपोर्ट आई। देखिए इनके स्पाइनल कॉर्ड पर चोट लगी है जिसकी वजह से इनके ब्रेन पर असर हुआ है और ये पैरालाइज्ड हो गई हैं और शायद ये अब कभी भी ना बोल पाए। बताओ क्या हो गया माँ को, कैसे हुआ? पता नहीं विकास जी, मैं तो जब छत पर गई तो मम्मी जी बेहोश पड़ी हुई थी और इनकी ना गर्दन पूरी टेढ़ी हुई हुई थी। विकास जी आप मत रोइए, माँ जी ठीक हो जाएंगी। मैं प्रॉमिस करता मम्मी, मैं इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मनु देखो, कल की रात ना मेरे लिए बहुत बड़ी रात है, लेकिन फैसला वो तो तुम्हें लेना है। और हाँ मनु, मेरे साथ ना कोई होशियारी करने की कोशिश मत कर। देखो तुम्हारी नानी का ही हाल देख लो, उन्होंने होशियारी की, आज वो हॉस्पिटल में है बेहोश गुमसुम एकदम कोमा में। और ना मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे मन का हाल भी वैसा हो जाए, इसलिए ना मेरे साथ कोई होशियारी मत करना।
फैसला अगर हम दोनों को लेकर हो तो बहुत मजा आएगा। मामी प्लीज मामी। अच्छा विकास जी, मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। हाँ जी चोपड़ा जी, जय माता दी। हाँ जी बस सैंपल फिर रेडी है, मैं पहुँच रहा हूँ। हाँ हाँ बस बस पहुँच जाऊँगा मैं। अब आप कहाँ चल दिए? अरे चोपड़ा जी को हमारी बिल्डिंग में 6 फ्लैट खरीदने हैं, तो वही दिखाने ले आ रहा हूँ। लेकिन कौन सी बिल्डिंग में? हारमनी बिल्डिंग, सेक्टर 52। चलो मैं उनको फोन करके आता हूँ। अजय चोपड़ा साहब, मैं लोकेशन पर पहुंच गया हूं, आप भी आ जाइए। मैं यहीं हूं, ठीक है। डॉली आप ना जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे प्लीज, मम्मी जी की बहुत तबीयत खराब हो गई है। कैसे, क्या हुआ? आपको डॉक्टर ने अर्जेंट बुलाया है। हाँ मैं बस आ रहा हूँ। ठीक है ओके। चोपड़ा जी मुझे अर्जेंट निकलना होगा, मेडिकल इमरजेंसी आ गई है, प्लीज तो आज की मीटिंग कैंसिल करते हैं। ठीक है ठीक है, आई एम सो सॉरी। नर्स नर्स, मेरी माताजी मिसेस चौटाला कैसी तबीयत है उनकी? तबीयत तो वैसे ही जैसी आप छोड़कर गए थे। आप पहले जाकर ये दवाइयाँ और इंजेक्शन ले आइए, बहुत देर हो चुकी है, बल्कि उनकी सुबह की डोज भी मिस हो गई है। मिस हो गई है? मेरी वाइफ कहाँ थी? वो होनी भी तो चाहिए ना यहाँ, मैं सुबह से यहाँ बैठी हूँ। लेकिन आप प्लीज पहले ये दवाइयाँ इंजेक्शन ले आइए, बहुत जरूरी है जी। और ये रही दवाइयाँ और इंजेक्शन, आप प्लीज जल्दी कीजिए। ठीक है मैं डॉक्टर को लेकर आ। तुम गई कहाँ थी? अरे बाबा मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गई थी, मम्मी जी की एक्सरसाइज का पता नहीं करना था। तो सुबह से वहीं पे थी? नहीं मैं तो टाइम से गई थी, बट डॉक्टर साहब लेट आए, तो मैं क्या करूँ? जब वो आए तब मैं निकल कर आई। ठीक है अंदर चलो। ठीक है कैसे हो मम्मी? क्या हुआ माँ? तुम घर जाओ, मैं माँ की देखभाल करता हूँ। हाँ ध्यान रखना मम्मी। हाँ तुम जाओ। अम्मा क्या हुआ? मैं हूँ इधर, अब चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आप आराम कीजिए। डॉली
कोई सरदर्द की दवाई देना। हाँ आ रही हूँ। कोई टैबलेट दो यार। क्या हुआ आपको? सरदर्द हो रहा है। कोई टैबलेट है? टैबलेट तो है, पर एक बात कहूँ आपसे, ये टैबलेट खाने से ना समस्या का हल नहीं निकलेगा। विकास जी, पुलिस कुछ कर भी रही है या नहीं? मनु का कुछ पता नहीं चल रहा है, शायद कल तक पता चल जाए। कल तक मतलब? कल तक मतलब वो पुलिस आजकल 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 कर रही है ना, आप उन्हें स्ट्रिक्टली क्यों नहीं कहते कि कल तक मनु की फाइनल खबर दे दे। देखता हूँ। अच्छा अब आप ना ये सब टेंशन मत लो, अब आप आराम से सोचो, चलो लेटो आराम से, मैं देती हूँ, आप लेट जाओ बाबा। कौन है यहाँ? कौन हो सकता था? बेल तो बजी थी। मनु? मनु? मनु कहाँ चला गया? तो यहाँ छुप कर बैठी हूँ। डॉली, झूठ पे झूठ बोला तूने। अम्मा जी की रिपोर्ट में लिखा है कि उनके सर पे भारी चीज से वार हुआ है, और तूने कहा वो गिर गई है। मुझे धोखे से हॉस्पिटल बुलाया कि अम्मा जी बीमार है, जबकि तू तो वहां है ही नहीं थी। तू तो यहां रंगदगिया मरा रही है। भूल कर, सबूत चाहिए तुझे, तेरा सबूत, तेरी गाड़ी से मिला है मुझे। सोच भी नहीं सकता कि इसकी सगी मामी इसको अपना हवस का शिकार बनाएगी। तो भगवान का शुक्र है कि तो जैसी डायन से बचा लिया मेरे भांजे को। अपनी ये अदाएं है ना, जेल में दिखाना। संदिग्ध स्थिति में हम हालात को किस नजर से देखते हैं, उन पर कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। किसी के मन में क्या चल रहा है ये जानने की ताकत किसी के पास नहीं। शक्ल देखकर चरित्र का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हाव भाव बहुत कुछ बयां कर जाते हैं। परिवार वालों की नाक के नीचे डॉली ने नीचता की हदें पार कर दी और किसी को भनक तक नहीं लगी। वो तो शुक्र है कि पत्नी का नीच चरित्र वक्त रहते विकास के सामने आ गया। आज डॉली पुलिस की हिरासत में है। किडनैपिंग और सास पर जानलेवा हमले का मामला उस पर दर्ज हो चुका है। आईपीसी की धारा 363 और 307 के तहत 10 साल का कठोर कारावास ही अब उसका भविष्य है। और ये सब तभी संभव हो पाया जब विकास ने उन बातों पर गौर किया जिन्हें नजरअंदाज करने की वजह से हालात यहां तक पहुंचे। जैसे ही डॉली की हरकतें और उसका झूठ शक के दायरे में आए, वो बेनकाब हो गई। कहते हैं कि जो चीज आंखों के बहुत करीब हो वो ठीक से दिखाई नहीं देती, इसीलिए रिश्तों में विश्वास को इतना आगे भी मत रखिए कि उनकी परख ही ना हो पाए। सावधान इंडिया, डर कर नहीं डट कर। तारों का सबका कहना है, भैया आप शादी के लिए मान गए? हजारों में मेरी बहना। थी सारी उम्र हमें संग, बैठ
बहन को मारकर भाई को होता नहीं दर्द, कहां से आती है ऐसी भयानक सोच? इस बार सुलझाएंगे ऐसी ही उलझी सोच के धागे, ताकि आप रहे जुर्म से एक कदम आगे। नया सीजन, नई अप्रोच, डिकोड करेंगे अपराधी की सोच। सावधान इंडिया क्रिमिनल डिकोडेड, 26 सितंबर से रात 10:30 बजे स्टार भारत पर।